भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैबिनेट बैठक से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं। देखिए, 5 साल में सरकार 4 लाख नौकरियां देंगी। 60,000 भर्तियां चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों की निकाली जाएंगी। 7,000 वाहन चालक की भर्ती होगी। राजस्थान सरकार सफाई कर्मियों की भर्ती 2 साल के अनुभव के आधार पर करेगी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 10वीं की योग्यता अनिवार्य की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती आयोजित करेगा। इस प्रकार के चालकों का पद अब वाहन चालक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रावधान भी किए गए। निवेश के लिए न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ की गई है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण में संशोधन करने दिया गया। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण में संशोधन करने दिया गया। 5 साल में सरकार 4 लाख नौकरियां देगी। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है। जिसमें भी वाहन चालक के उनके अनेक विभागों का अलग अलग नाम है, उन सब का एक नाम पद कर दिया है, वाहन चालक ड्राइवर। और वो वाहन चालक भी अब 10वीं पास होगा और इसकी भर्ती भी इसी जो मैंने अभी बताई उसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के करीब 7,000 के आसपास की भर्ती होनी बाकी है। इतना आमतौर पर तो दिन में होता है, 4 महीने रिटायरमेंट के होते हैं और कोई कारण हो जाता है, रिक्तियाँ होती रहती है। तो मोटे मोटे आंकलन के अनुसार करीब 7,000 की भर्ती हमको करनी है। और ये जो दूसरे हमारे वाहन चालक के स्थानीय भर्ती निकाय है उसमें भी करीब 23,000 के लगभग 23,850 हमने जो आंकलन किया है के अनुसार भर्ती होनी है। और स्थानीय निकायों में इन सब को मिलाकर के हमारा जो टारगेट है उसको हम 1 लाख को अचीव करने के लिए निर्णय लिए हैं। हमारे जो कर्मचारियों का भर्ती बोर्ड, इसके अलावा जो विभिन्न निकाय है इसमें सफाई कर्मियों की भर्ती भी अनेक बार विवादित रही है। और इसका विधानसभा में आपने हमारे मंत्री जी का अध्ययन सुना था, कितनी बार भर्ती हुई, निर्देश की भर्ती हुई, उसमें भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग उसमें निश्चित प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मियों की सभी भर्ती उनकी 2 साल के सफाई के अनुभव के आधार पर भर्ती करेंगे और वो निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी। में हमेशा आज तक की योग्यता 5वीं और 8वीं थी और भर्ती के अलग अलग प्रक्रिया थी। इसको कंसोलिडेट करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो ये फोकस है कि हमको इस साल 1 लाख की भर्ती के टारगेट से अबव जाना है और भर्ती में आरोप नहीं लगे, असमंजस की स्थिति नहीं रहे और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत भर्ती हो, इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में 10वीं पास की योग्यता होगी और इसकी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की के द्वारा की जाएगी और वो लिखित परीक्षा करके कहेंगे। प्रेस प्रतिनिधि अक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं, हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टूरिज्म में बहुत संभावनाएँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए
इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया।